होना चाहिए। तो हम व्यवस्था ताकि ताकि अधिकारी शिकायत हुए दोनों दिक्कत ना हो, लेकिन जब हम कहा तब अपन को काम किया ना तो वरना काम ना करे। हाँ एक ध्यान दे रहे तू चुदूर चुदूर कान धो नहीं करा, कल पुलिस पहुंच जाए देख ले कितना पार्टी मत ला गया मैंने चाहिए जमुने दशा में पाँच दे है पच्चीस ठीक कल चाहिए जमुने दशा में दे दिए ताकि हम अधिकारी को मैनेज कर ली तब तुमका बताओ ना फंसा फंसावा है तुमका हम बताओ चलो। समस्या आप देख लीजिए मैडम, मैं बाउंड्री कर रहा था जी, पेड़ लगाया हूँ, ये थाला कभी जानवर आके कभी इंसान आके गिरा देते थे जी। मेरा घर आप तो देख ही रहे उधर है आधा किलोमीटर दूर पे जी, है जी। मैं बाउंड्री करा था, लेखपाल साहब आए शशि कुमार जी, जी। वो बोले हमसे क्या करना, मैं बोला ये पेड़ बचा लीजिए थोड़ा छोटी बाउंड्री कर रहा हूँ, उसके बाद बोले कि मेरी पुश्तैनी ज़मीन है जी। बोले कि तुम्हारे पास कोई कागज़ है, मैं बोला पुश्तैनी ज़मीन है कागज भी दिखा सकता हूँ। दिक्कत क्या है इसका, क्या दिक्कत यही है कि मैं 5,000 रुपया उनको दिया, 30,000 की डिमांड थी, 5,000 रुपया उनको दिया, 5,000 रुपया दिया, 25,000 रुपया नहीं दे पाया, मैं अपने चचेरे भाई के द्वारा उनको दिलाया जी। इसका कोई प्रूफ भी है? प्रूफ वीडियो वायरल हुई है मीडियम, वीडियो में साफ है, वीडियो वो आप वीडियो देख सकते हो। और मेरा एक कागज उनके यहाँ भेजा, मैं डीएम के यहाँ भी गया, एसडीएम के यहाँ गया, मुख्यमंत्री को भी भेजाया, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, पैसा नहीं दे पाया, पैसा ना देने की वजह से मेरा ये बाउंड्री गिरा दिया गया और मेरा कार्रवाई भी आगे नहीं हो रही है, मेरा कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसी के साथ मैं यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि हैं उनसे मिला जाऊंगी जी। यहाँ की क्या दिक्कतें हैं? दिक्कत मैडम ये रिवेन्यू विभाग, रिवेन्यू विभाग इतना दिक्कत कर दिया है कि अगर उनको पैसा मत दो तो कोई काम नहीं करने देंगे जी। जैसे कि अभी आप देखे सुने इनसे पैसा नहीं मिला इनको 30,000 तो आकर के सुबह ही गिरवा दिए, 5,000 लिए, साढ़े तीन साल से मेरे यहाँ वो हैं और इतनी एप्लीकेशन गांव से पड़ी हुई, उनके खिलाफ कोई एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, अब रिश्तेदार बना के बैठे हैं। हर अधिकारी से रिवेन्यू विभाग का पूरा ये है समझ लो डामाडोल की कोई कार नहीं कर रहे हैं, करने दे रहे हैं। प्रणाम दोस्तों, इस समय हम सुल्तानपुर जिले में उपस्थित हैं और मैं सार्क मीडिया की तरफ से ग्राम सभा में घूम रही हूँ और देख रही हूँ कि यहाँ क्या दिक्कतें हैं। और इस समय मैं ब्लॉक कुड़वार में हूँ और ग्राम सभा इसके अंतर्गत अजवीर पड़ता है और मेरे साथ यहाँ के प्रधान हैं, मैं उनसे पूछूंगी उनके बारे में, उनके ग्राम सभा के बारे में। ग्राम सभा की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? सबसे बड़ी दिक्कत है हमारे यहाँ रास्ते की जी। रास्ता जितना हम बना पा रहे हैं जी, हमको धन मिले या मनरेगा द्वारा मिले तो जिसने चक्रोड़ मैंने मिट्टी डलवाया है जी, उसको मैं खलंजा करा दूँ जी, लोगों को आने जाने खेत में परेशानी ना हो जी। और कुछ आवास की परेशानी है, आवास जिससे लोगों को गरीबों को नहीं मिला है जी, ठंडी का मौसम आ रहा है जी, और उसके लिए है। और ये मीत का रास्ता मेन रास्ता जो है इसका है, तो तालाब वाला रास्ता जो बना है पहले से आच्छादित हो गया है, इसका बनना है। कुछ हमारे यहाँ लाइट चाहिए, लाइट जी, लाइट का प्रावधान होना चाहिए जी। और बाकी कार्य चल रहा है,
सरकार हमारी काम कर रही है जी, लेकिन जैसे राजस्व विभाग का मसला है हमारे जी। जैसे हम चकवाना बनाने जाते हैं तो बच्ची लोग जिसका चक है उसको चढ़ा देते हैं, और कुछ ऐसा हुआ एक ग्राम घुसपुरवा हमारे यहाँ एक पुरवा है जी, जी। ग्राम सभा अधीन का एक पुरवा घुसपुरवा है जी। घुसपुरे में एक चकमार्ग है घाटा संख्या 972 चकमार्ग है जी। उसमें महराज और वो उनके भाई इदरीस वगैरह हैं, उन लोगों ने उसमें मुखबिल बीच में गाड़ करके उस रास्ते को अवरुद्ध किया है जी। और उसको थोड़ा जब बनने लगा, बनाया गया किसी तरह से, तो उसको उनके राजस्व के माता प्रसाद वो कानून गो हैं जी, जी। उन्होंने आकर के भाई फोर्स बिना किसी आदेश के आकर के उसको कटवा दिए, ट्रैक्टर ला करके उसको ट्रैक्टर से गिरवा दिया कटवा के। उसके बाद उसकी एसडीएम साहब के यहाँ दरखास्त दी गई जी। उन्होंने उसको एक्सरसाइज किया, इन लोगों को तहसीलदार आए, नायब तहसीलदार आए और नाप के चले गए, और उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई आज तक। एसडीएम साहब ने उनसे रिपोर्ट भी मांगा, तो इन लोगों ने रिपोर्ट गलत दिया, फिर उन्होंने रिव्यू किया कि इसकी सही रिपोर्ट आनी चाहिए, माता प्रसाद किसके आदेश से काटने गए जी, कटवाने गए बाई फोर्स जी, जी। जसों से पूछा जा रहा है किसके आदेश से आए हो, कानूनगो से पूछो, कानूनगो फर्जी बता रहा है कि हाँ आदेश है, दिखा नहीं रहा है। एसडीएम साहब मांगे, उनको भी नहीं दिखाया। दबंग किस्म के ये लोग कर्मचारी हैं और अधिकारियों को भी नहीं सुनते हैं। और वहाँ पे इनका एक अब्दुल वहीद नाम का लेखपाल है जो मेराज का रिश्तेदार है जी, जी। वो पूरे तहसील में इसको खंगाल के रख दिया, इसकी जांच कराई जाए, फिर से देखा जाए, वो चक्रोट आज तक नहीं बन पा रहा है जी। और इन लोगों के वहीद की लेखपाली की वजह, क्या इन लोगों के खिलाफ कोई जांच एजेंसियां भी लगी हैं? जांच एजेंसी एसडीएम साहब लगवाए थे जी, लेकिन जांच एजेंसी आई बीच में, लोग अपना सिस्टम के द्वारा अपना उसको काम पूरा नहीं करते, रोक देते हैं जी। इसको अगर किसी लखनऊ की टीम द्वारा इसको अगर नपवाया जाए, और लेखपाल कानून को जो है जी, एक पश्चिम तरफ से नापें तो 124 मीटर आता है जी, और लेखपाल कानून को जब नापता है उसको 18 मीटर नापता है जी। तो हम लोगों की नहीं सुनता है, सही नाप नहीं करता है, उसको बचाने के लिए ट्यूबवेल तो बचाने क्या के लिए? आप चाहते हैं कि दूसरा लेखपाल बदली होकर के आए? नहीं, हम ये चाहते हैं कि तहसील सदर के लेखपाल अगर नापने आएंगे तो नहीं नापने पाएंगे। अच्छा अच्छा, हाँ ये कहीं से बाहरी टीम अगर इसको करेगी, वो पैसे वाला आदमी है जी, जी। और वो सोर्सफुल है जी। अपना अधिकारियों से भी सोर्स कर लेता है, लोग आते हैं फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं, वो चक्रोट आज तक बाधित है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।